हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अगर आप आर्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि लोग आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट का शौक रखते हैं और आर्ट बनाना शुरू भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आर्ट करना बंद कर देते हैं। कारण बताते हैं कि अच्छी नहीं बनती, और यह बात बिल्कुल सही भी है। दोस्तों शुरू शुरू में आर्ट अच्छी नहीं बनती, या यूं कहिए कि जैसी हम बनाना चाहते हैं वैसी नहीं बनती। दोस्तों हर काम का अपना एक प्रोसेस होता है, आर्ट का भी अपना एक प्रोसेस है। आपको याद होगा जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था या सीखना शुरू किया था तो शुरू शुरू में साइकिल नहीं चलती थी, डर भी बहुत लगता था, लेकिन कुछ समय बाद लगातार प्रयास करने के बाद, सीखने के बाद साइकिल चलने लगती है, डर भी नहीं लगता, और कब ब्रेक लगाना है कब ब्रेक नहीं लगाना कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही अगर हम आर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कुछ समय बाद आर्ट बनने लगती है। इसको मसल मेमोरी कहते हैं, इसमें अपने आप हाथ चलते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाने पड़ते, एफर्ट कम लगता है। दोस्तों इसके लिए बस हमको आर्ट के लिए समय निकालना होता है, डेली समय देना होता है, आर्ट की प्रैक्टिस करनी होती है, और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। दोस्तों आर्ट के बेनिफिट जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्ट इम्प्रूव करने के आसान तरीके बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।